मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास एट। इससे पहले आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसका हमने एक्सरसाइज 3.2 का पॉइंट नंबर जो K1 है और K2 ये ऑलरेडी क्लियर किया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हो वो मैंने प्रीवियस क्लास में क्लियर करा दिए थे। जो भी पॉइंट्स थे इसे बेसिक पॉइंट इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के से रिलेटेड थे वो हमने ऑलरेडी आपके क्लियर कराए हैं। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। तो K1 और K2 क्लियर भी ये भी हो गया था। नाउ दिस पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे, ओके, S1। इसी S1 पॉइंट को आज हमें डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा सर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है। इस पैरेललोग्राम में देखिए x के टर्म्स में एंगल्स के मेजर्स दिए गए हैं। इस x की वैल्यू फाइंड करके हमें इन एंगल्स को डिफाइन करना है। तो ठीक है, मेजर्स ऑफ ऑल द करें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। यानी इस पैरेललोग्राम में सबसे पहले हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी है। देन आफ्टर इसके जितने भी एंगल्स हैं, यानी 4 एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, उन 4 एंगल्स को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। ओके, यस सर। अब बात करते हैं सर ये कैसे करते हैं। वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। बेटा आप जानते हो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या है, होते हैं इक्वल होते हैं। इक्वल होने का मीन्स यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल बी और एंगल डी की बात कर लें तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैं, सो वी कैन से बोथ आर इक्वल। बिकॉज ये सी प्रॉपर्टी, हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ऐसी कहती है कि अगर अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको हमने प्रूव भी किया था, प्रूव किया था नहीं किया था वो अलग चीज है, बट हमने क्लियर कराया था। लेट से 3x एंगल डी की बात कर लें, 3x माइनस 5 और जो एंगल बी, आप जानते हो दोनों ही अपोजिट एंगल है। कौन कौन से अपोजिट एंगल है, एंगल डी इज इक्वल टू होगा एंगल बी। व्हाई, बिकॉज बोथ आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स। चलिए 3x माइनस 5 इज इक्वल टू राइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे राइट करेंगे इज इक्वल टू क्या, एंगल बी की वैल्यू है 2x प्लस 35, 2x प्लस 35, ओके, हमें फाइंड करना है x। तो ठीक है, इसको आज इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो 3x को ऐसे ही होल्ड करेंगे, ये प्लस 2x राइट साइड यानी LHS में ट्रांसफर होगा, माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ से 35 रिमेंस होगा यानी होल्ड करेगा, ये माइनस जाके प्लस 5, कुल मिला के ये 2x, 3x माइनस 2x कितना होता है, ओनली x रिमेंस होगा और ये इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू आपने डिफाइन कर लिया 40 डिग्री, इट मींस द वैल्यू ऑफ x हियर 40 डिग्री। चलो अब एंगल्स को डिफाइन करना, सो अब वन बाय वन करके एंगल को डिफाइन करेंगे। सो एंगल d की बात कर लो, सो एंगल d इज इक्वल टू कितना होगा, अगर एंगल d की बात करें तो है क्या 3x माइनस 5, ये एंगल डी है। एंगल डी के जो मेजर्स दिए गए थे 3x माइनस 5, हम क्या करेंगे इस x को रिप्लेस कर देंगे बाई 40। ठीक है, x को रिप्लेस करेंगे बाई 40 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 माइनस 5 मींस 115 डिग्री। यानी एंगल डी किसके इक्वल मेजर्स हो गया, 115 डिग्री। ओके, यस सर, यस सर। अब बात करते हैं सेम एज एंगल, हाँ एंगल डी डिफाइन किया, एंगल बी निकाल लेते हैं। नाउ नाउ एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी की बात कर लें तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा सर, एंगल बी का जो मेजर्स था इन टर्म्स ऑफ एक्स वो था 2x प्लस 35,
कितना था 2x plus 35। तो ठीक है 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू आपने 40 फाइंड किया है, तो इस 4x को रिप्लेस कर देंगे बाय 40 प्लस 35 इज इक्वल टू 42 जा 80 एंड 35 कितना होता है 115 ही तो होता है। यस सर। अब और ये भी क्या सोचने वाली बात थी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस वैल्यू को पुट करते हैं ना करते हैं। आप जानते हो एंगल बी और एंगल डी क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके तो हमने x निकाला था, तो एंगल डी जितना होगा उतना ही एंगल बी होगा, यानी 115 ही होगा। ओके चलो हमने सॉल्व कर दिया ठीक है, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं थी सॉल्व करने की, आपने एंगल डी डिफाइन कर दिया सेम एज एंगल बी इज इक्वल टू 115 ही होगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगल की। अभी आपने कौन कौन से एंगल बी और एंगल डी डिफाइन किए, लेफ्ट जो रहा एंगल आपका वो क्या क्या है सर, एंगल ए रिमेंस है और एंगल सी, ये दोनों ही एंगल्स अभी डिफाइन नहीं कर पाए हैं आप। हम एक चीज जानते हैं, जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री ठीक है। जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं यानी साइड वाले एंगल होते हैं, बगल बगल के एंगल्स होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस उनका समाप कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो ठीक है इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम एंगल ए और सी डिफाइन कर देंगे। सिंस एंगल ए प्लस एंगल कौन सा, ए की बात किया तो डी होगा उसका एडजेसेंट, अगर ए की बात करें तो बी भी एडजेसेंट है और डी भी एडजेसेंट है तो डी ही मान लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। आपने कहा सर क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पे राइट करेंगे एडजेसेंट, सॉरी तो सही तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया पैरेललोग्राम, चलो बात समझ में आ रही है। एंगल ए पता है, नहीं सर इसके बारे में तो नहीं पता, एंगल ए हमें डिफाइन नहीं किया अभी हमने, ये अननोन है एंगल ए। डी आपने क्लियर किया, डी की वैल्यू कितनी आई थी 115, डी की वैल्यू आई थी 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ए इज इक्वल टू आ गया कितना होगा 180 माइनस 115 इज इक्वल टू 65, कितना आ जाएगा 65। एंगल ए इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू 65 देन एंगल बी इज भी नहीं, इसका अपोजिट क्या होगा सी, एंगल ए का अपोजिट क्या है सी, यही नहीं पता था। यस सर। देन एंगल सी इज इक्वल टू बी आल्सो 65 डिग्री, व्हाई, ये भी अपोजिट एंगल्स के प्रॉपर्टी के अलोंग 65 डिग्री हो जाएगा। ओके यस सर। बात पूरी समझ में आ गई, करना क्या था इसमें एडजेसेंट प्रॉपर्टी और अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करना था। आप जानते हो जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, उस कॉन्सेप्ट का उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने ए और सी डिफाइन कर दिया, और जो आपका अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए डी और बी डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, बोथ कॉन्सेप्ट एंड बोथ प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है और इस तरह से आपने ऑल एंगल्स को डिफाइन कर दिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्लियर। इन्होंने ये कंप्लीट द टेबल बाय क्लासिफाइंग द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स एज पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम और काइट, आपको क्लासिफाई करना है बाय शोइंग और बाय ऑब्जर्वेशन। ओके तो ठीक है, प्रॉपर्टीज के लॉन्ग और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लॉन्ग तो बता ही सकते हैं कौन किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। लेट से फर्स्ट क्वाड्रिलेटर की बात करें जो यहाँ पे इन्होंने शो किया, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है सर, इसके अपोजिट एंगल्स पैरेलल दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है ना,
parallelogram. Okay. अब बात करते हैं सर, नेक्स्ट वन इज, चलो ये किस टाइप का है? इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हैं और अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल है. सर ये नॉन पैरेलल है. ट्रैपेजियम, ये आपका ट्रैपेजियम होता है सर. अगर इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और नॉट होता है, तो उसमें ट्रैपेजियम होता है. क्या होता है? ट्रैपेजियम. नेक्स्ट वन की बात कर लें, एंड दिस वन इज पैरेललोग्राम. यहाँ भी अपोजिट साइड्स क्या है? ये इसके पैरेलल और इक्वल है, ये इसके पैरेलल और इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सर दिस वन इज आल्सो अ पैरेललोग्राम. ओके, बात समझ में आ रही है? यस यस सर. इसकी बात कर लें तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी है. सॉरी, ये इसके पैरेलल और ये नॉन पैरेलल है. ये क्या है? नॉन पैरेलल. तो क्या हो जाएगा? ट्रैपेजियम. नॉन पैरेलल ट्रैपेजियम. आइसोसेलेस नहीं, आइसोसेलेस नहीं होगा. ओह सॉरी, ये वाला आइसोसेलेस था, मैंने ध्यान नहीं दिया. कौन सा? ये वाला. इस ट्रैपेजियम को आइसोसेलेस ट्रैपेजियम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Isosceles trapezium, because इसके जो non-parallel sides हैं, यानी non-parallel opposite sides हैं, वो equal in length है. ये वाला और ये वाला length में equal है, ठीक है? Yes sir. Equal in length. बात समझ में आ रही होगी? Yes sir. ये only trapezium है. Next one is only trapezium because इसमें ये non-parallel sides equal नहीं है. और ये क्या आपका पैरेललोग्राम है. नेक्स्ट वन इज, इसके एडजेसेंट साइड्स क्या हैं? आर इक्वल इन लेंथ, सो वी कैन से दिस वन इज काइट. ओके, क्या है? काइट है सर. काइट. नेक्स्ट वन इज सर, ये एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है, लेकिन इसे स्क्वायर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर. बट इन्होंने कहा था डिफाइन करना ओनली पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट. तो क्या बोलोगे इसको? पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट, क्या बोला जाएगा इसको अगर ओनली हमें पैरेललोग्राम? यस बेटा, ये पैरेललोग्राम है. चलो हो गया, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अब इन्होंने एस थ्री की बात किया, फाइंड द मेजर्स ऑफ नोन एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम. चलो दिखाता हूँ ट्रेपेजियम से पहले. ट्रेपेजियम में से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ. आपने पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, पैरेलल लाइंस के कुछ लॉज को, प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी क्लास सेवन में क्लियर किया होगा, तो उसी को मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ. ठीक है, लेट्स से एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस. मान लेते हैं कि एल और एम क्या हैं? दो पैरेलल लाइंस हैं. And one of the transversal line intersect it on different points. Okay? यानी इसको क्या करती है? तीसरी transversal line है. Let's say इसको हम मान लिए T. ठीक है? ये इसको क्या कर रही है? Intersect कर रही है on different point. इसको instantly यानी different points पे cut कर रही है. मान लेते हैं ये A है, ये B है. चलो. तो ऐसे में क्या होता है? इफ एल इज पैरेलल टू एम, यदि ऐसा है एल और एम पैरेलल है, तो कंडीशन ये होती है जो इनके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. सर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या क्या होते हैं? सर इंटीरियर और एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं. लेट्स से यहां का एंगल
दिस वन इज इक्वल टू दिस, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना। ये क्या होता है, यहाँ का एंगल वन है और मान लेते हैं ये, चलो नंबरिंग कर देते हैं तो डिफाइन हो जाएगा। वन ये हो गया सर, आफ्टर दैट ये टू हो गया, ये हो गया थ्री, ये क्या है सर फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसा समथिंग है। तो ऐसे में जानते हो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स हो जाता है, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जब भी कहीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ऑफ सेम साइड, एंड बस यही बात है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट, वो एक्सटीरियर में हो या इंटीरियर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हों, अलग चीज़ है। कहने का मतलब देखो, ये एंगल मैं क्लियर और कर दूँ थोड़ा सा, दिस वन इज इक्वल टू दिस, दिस वन इज इक्वल टू दिस, और सर ये टू जो है वो इस सिक्स के इक्वल होगा। हाउ, ये कैसे सर, टू कैसे सिक्स के इक्वल हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी के अलाउंग, कौन सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी के अलाउंग। तो ये सारी चीजें हमें नहीं क्लियर करना, हमें इतनी चीजें जानना है कि जो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे हमें करना है, चलो हम बताते हैं। लेट से ये देखिए, ये लाइन जो है और ये पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है सर, इसके ये पैरेलल साइड सर। अब बात कर लें सर, ये दिस लाइन पी क्यू की, सर ये पी क्यू ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है इनको, पी है ये क्यू है, यहाँ पे पॉइंट पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब आप एक चीज बात कर लो, क्या ये जो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल लाइन कट नहीं कर रही है पी और क्यू पर, ऑन डिफरेंट पॉइंट पी और क्यू पे कट नहीं कर रही है, कर रही है ना इन पैरेलल लाइंस को। हम कहते हैं सर, जब भी किसी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, साथ साथ उनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स उनका सम ऑफ 180 के इक्वल होता है, ये भी आपने क्लियर किया था। तो यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि इन दोनों का जो सम ऑफ होगा 180 के इक्वल हो जाएगा, सेम एज अब यहाँ से उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बाकी सारी हमें प्रॉपर्टी से मतलब नहीं। y प्लस 20 सॉरी 120 नॉट 20 इज इक्वल टू राइट करेंगे 180, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब बात कर लो सेम प्रॉपर्टी का, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये भी पैरेलल ही है दोनों, ठीक है, तो इन टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इसके जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम ऑफ 180 के इक्वल होता है। यानी x + 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना कर देंगे सर, 180 करेंगे। तो x इज इक्वल टू y करें तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 120। बस समझ में आ गई? यस सर। इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज किया गया, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड इज 180 और सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मींस यानी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी कभी भी जब ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कहने का मतलब दोनों का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। ऐसे यहाँ भी यही यूज किया गया है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपने वाई डिफाइन किया था सर, कितना आ गया था, वाई 60 आ गया था और ये कितना हुआ था, 120 हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन्होंने कहा टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम A1, पॉइंट नंबर A1 की बात करें जिसमें टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम।
बातें कुछ समझ में आ रही हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ ये क्या कह रहा है? कह रहा है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, इट्स पेरिमीटर इज 50 सेंटीमीटर। तो हम अगर इसका रेशियो दिया गया है इसके एडजेसेंट साइड का और पेरीमीटर पता है, तो क्या हम इसके लेंथ को नहीं बता सकते? साइड्स के जो लेंथ होंगी उसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते। कह रहे हैं इनके जो साइड एडजेसेंट साइड का रेशियो है वो क्या है? 2:3 है। पैरामीटर कितना है? 50 है। लेट्स से यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम, इसमें इन्होंने इसके साइड का जो रेशियो एडजेसेंट साइड रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू गिवन है यहाँ 2:3। तो सर लेंथ इज इक्वल टू, अगर बात कर लें लेंथ की तो लेंथ कितना हो जाएगा? सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ मीन्स लंबाई की बात करना है ना, लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x, ये 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू द रेशियो, रेशियो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड विड्थ कितना हो जाएगा? विड्थ हो जाएगा सर 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x। अब एक चीज तो क्लियर है ना कि जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं क्या होते हैं? आर इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं क्या होते हैं? आर इक्वल इन लेंथ। इफ दिस वन इज 2x देन इट्स अपोजिट साइड्स आल्सो बी 2x। ओके, यानी अगर ये 2x है तो इसके अपोजिट साइड जो भी 2x होगा, ये 3x है तो ये भी 3x होगा। बात क्लियर? पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, पैरीमीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम चलो बेटा पैरामीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम कितना है? 50। ये तो मैंने राइट नहीं किया, इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और समथिंग जो भी होगा, यूनिट से मतलब। पैरामीटर क्या होता है सब लोग बताएंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स, थोड़ा सा एक्टिव रहिए साथ में हमारे करते रहिए। ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर निकालना है तो टोटल का सम ऑफ कर दो जितने भी साइड्स हैं इसके, तो 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना कर दें सर? 50 सेंटीमीटर। चलो 50 चलने दो। हाँ इक्वल टू 10x इक्वल टू टोटल सम ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 10x। कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू 50। नाउ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 10x is equal to 50, now x is equal to 5. x 5 आ गया. So, length of each side, so, length of the parallelogram. Length of it define कर बस. So, length of parallelogram is equal to, parallelogram का length कितना? 2x है. So, 2 multiplied by 5, it means 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। विड्थ की बात कर लो सर, 3x है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15 सेंटीमीटर इनका विड्थ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड दिया गया था 2:3, हमने उसी का यूज करते हुए लेंथ और विड्थ डिफाइन किया 2x और 3x। ठीक है, और हम जानते हैं पैरामीटर भी गिवन था, पैरामीटर 50 सेंटीमीटर गिवन था, बट वी नो दैट पैरामीटर मींस होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यही तो होता है। तो हमने क्या किया, इसके ऑल साइड का सम ऑफ कर लिया, लेंथ और विड्थ
डिफाइन होने के बाद इसके ऑल साइड डिफाइन हो गए बिकॉज अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमने पैरीमीटर के फार्मूले का यूज करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया और इस एक्स के थ्रू हमने लेंथ और विड्थ को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 82 की, जिसमें इन्होंने इनका जो स्टेटमेंट है कह रहे हैं इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, सेम एज क्वेश्चन है क्या? इफ टू, अच्छा नहीं एंगल्स की बात कर रहा हूँ, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5 फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बेटा इसको करोगे, हम नहीं करेंगे, क्या है 4:5 दिया गया है, ये एक पैरेललोग्राम था, मतलब है था क्या, ठीक है। इन्होंने कहा इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका रेशियो 4:5 है, तो एडजेसेंट मींस क्या होता है बेटा, साइड वाले एंगल जिसमें वन साइड कॉमन होता है, ऐसे एंगल्स जिसमें वन ऑफ द साइड कॉमन हो, ये कहने का मतलब ये एडजेसेंट हो सकता है, ये इसके एडजेसेंट है, ए के लिए डी और बी इसके एडजेसेंट है, ए के साथ बी के वही, चलिए बात कर लेते हैं। इनके एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो दिया है 4:5, यानी लेट से ये 4x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो और ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब ये बात कर रहे हैं सर पैरेललोग्राम की, तो सर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे, यानी इसका अपोजिट होगा 4x ये और इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे ये 5x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? All angles in terms of x clear हो गए, sum of adjacent angle is equal to 180, और ऐसे ही कर देते 5x 4x opposite angles को दिखाने की जरूरत नहीं थी, पहले x define कर लेते। हम जानते हैं sum of adjacent angle of a parallelogram is 180, यहाँ से 4x plus 5x is equal to 180 करेंगे तो 9x is equal to 180, x is equal to 20, 9x is equal to 180 तो x is equal to क्या आ जाएगा 20, सर एक्स डिफाइन हो गया तो सारे एंगल डिफाइन हो जाएंगे, कैसे 420 जा 80, यानी एक एंगल ए जो होगा एंगल ए वो आपका 80 डिग्री होगा, एंगल बी 100 डिग्री, एंगल सी 80 डिग्री, एंगल डी 100 डिग्री। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। A3 की बात कर लें, इसमें इन्होंने कहा इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स, कर लोगे इसको भी सेम प्रॉपर्टी, एक पैरेललोग्राम है इसके वन ऑफ द एंगल्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया 30 डिग्री, बाकी सारे एंगल बताने, तो बता नहीं पाओगे सारे एंगल, एक एंगल पता है तो और इसके एंगल क्लियर नहीं कर पाओगे। चलो एंगल बी कितना होगा पहले बता लो, एंगल बी कितना होगा, या एंगल सी की बात कर लो, बी की बाद में बात करेंगे पहले सी की बात कर लो, एंगल सी कितना होगा 30 डिग्री। यस बेटा ये 30 है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी 30 डिग्री होगा इन अ पैरेललोग्राम। अब बात कर लें सर ये कितना होगा, 150 डिग्री ये हाँ sir. ये 30 है तो सर अगर एंगल बी हमें फाइंड करना है तो 180 माइनस 30 कर दें, ये एडजस्टेड एंगल इसका सबट्रैक्ट कर दो 180 से तो पता चल जाएगा 150 डिग्री कितना आ जाएगा, बी 150 डिग्री, बी आ गया तो डी भी 150 ही होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ये भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर A4 की बात कर लें, सॉरी करो
इन्होंने कहा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड डी. कहाँ है ये? है इसका फिगर शायद ये वाला. यस सर. चलो मैं कर दे रहा हूँ इसको, पर वैसे हो जाएगा ये भी. कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. अगर हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है? ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है सर. तो ट्रायंगल ए बी सी के ऑल एंगल्स का जो सम ऑफ होगा 180 होगा. कहने का मतलब 3a प्लस 4a प्लस 6a इज इक्वल टू 180 होगा. बात इतनी तो क्लियर है सर? यस सर. सेवन और सिक्स कितना होता है? 13a होता है. यस सर. इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ए को थोड़ा सा डिफाइन करना लॉजिकली सही नहीं होगा. यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा तो हम इसका यूज नहीं करेंगे. चलो करना तो पड़ेगा ही. अगर आप कहते हो सर ये 4a डिग्री है तो इसका ये अल्टरनेटिंग, बिकॉज दिस वन इज पैरेलल टू आल्सो दिस, ये इसके पैरेलल है, ये इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. बात ध्यान से समझना मेरी. ये एक पैरेलल सर आपस में, और सर इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली कट कर रही है. तो हम जानते हैं इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. यानी दिस वन इज इक्वल टू दिस, ये एंगल इस एंगल के इक्वल. यानी ये 4a था तो ये भी 4a होगा. बात समझ में आ गई? और ये 3a है सर, यहाँ का एंगल 3a है तो ये भी 3a ही होगा, बिकॉज दिस वन इज पैरेलल टू दिस. बात समझ में आ रही है? तो कहने वाला ये 7a और ये भी 7a, तो ठीक है सर. ये 7a टोटल एंगल और ये भी ये 6a है यहाँ पे, तो यहाँ का एंगल भी 6a हो जाएगा. इस तरह से आपने सारे एंगल डिफाइन कर दिए. अब आप कह रहे हो सर हम क्या करते हैं, ए को डिफाइन करने के लिए ऑल एंगल्स का सम ऑफ कर लेते हैं. टोटल एंगल्स का सम ऑफ कर लो. वैसे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, एडजस्टेड एंगल को करेंगे तो 7 और 6 13 ही आएगा. तो एडजस्टेड एंगल से प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज 13 डिवाइड बाई 180 हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना. नहीं हुआ है ना एग्जैक्टली डिवाइड. तो ऐसे करते हैं सुनो, तब भी प्रॉब्लम तो होगी ही, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो. 7 14 और 6 20 और ये 26 हो जाएगा सर. डिफाइन तो नहीं कर मिलेगा चाहे जैसे करो आप. ए की वैल्यू एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होगी. मैंने सोचा था हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाएगा. आप चाहे जिस तरह से करें आना तो वही है. ठीक है चलो यही कर लेते हैं. तब क्या इतना मैं दिमाग लगा रहा था. 7 और 6 कितना होता है सर? 13a होता है डिवाइड इज इक्वल टू 180, और नो a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 13. मींस 13 से डिवाइड करना कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा फॉर a. लेकिन अब यहाँ से एंगल को डिफाइन करना है तो वही सारे एंगल्स फ्रैक्शनल फॉर्म में ही आएंगे. कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? देखो तो यही तो दिया गया था 6a 3a 4a, यही तो दिया है. Yes, sir. तो फिर ठीक है इतना ही आएगा. a is equal to हमने डिफाइन किया 180 by 13. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या राइट कर सकते हैं? 13 जा कितना होता 169 और 11 13 होल 11 बाई 13 ये वैल्यू ऑफ a आ गया. अब a पता हो गया सर, तो इसी के बिहाफ पे हम 6a 7a ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे. चलो बता देता हूँ. अगर हम बात करते हैं एंगल a की, सॉरी एंगल b की बात कर लो, पहले a बाद में करेंगे. एंगल b की बात करो तो सर ये 6a के इक्वल है. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाई 13 ही कर लो तो ठीक है सर. फिर वही बात हो जाएगी,
18 6 108 13, यहाँ से डिवाइड करके फिर चेक करना होगा कितना आ रहा है ना मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। सर जितना बी होगा उतना ही डी होगा, इज इक्वल टू ऑल्सो डी, ये डी के भी इक्वल चलेगा सर। और ए कितना है, ए सर 7 ए के इक्वल है, कितने के इक्वल है 7 ए के, तो 7 ए मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 180/3, ये भी ऐसे हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ, कहने वाला ये ए हो गया, ए ऐसे ही बी सॉरी सी भी होगा, ए और सी इस तरह होंगे, कोई जरूरी नहीं कैलकुलेट होके आपका एक सिंपलेस्ट वे में ही आए, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है, हमारा कौन वे जो है वो करेक्ट है, बस हमें इससे मतलब है ना। ओके तो इस तरह से आपका जो देखिए लास्ट पॉइंट है ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ, पैरेललोग्राम है एरिया इसका 56 स्क्वायर यूनिट दिया गया, डायगोनल पी आर एन क्यू एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बेटा ये क्या करता है मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है, देखो टोटल एरिया जो इसका है 56 स्क्वायर मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। आप जानते हो जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एक दूसरे को बाइसेक करते हैं और ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, जो ट्राइंगल्स जिन ट्राइंगल्स में बाइसेक करते हैं वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के एरियाज भी इक्वल होते हैं, कहने का ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 4 इक्वल पार्ट्स में, अगर दोनों ही डायगोनल्स ड्रा करते हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी ये जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका, उतना ही एरिया इसका और इतना ही एरिया, कहने का मतलब इस 56 के 4 इक्वल पार्ट्स करो और उस 56 के 4 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट शेडेड रीजन है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 पार्ट ऑफ 56, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 पार्ट ऑफ 56, बात समझ में आ रही है? Yes, अरे 14 आएगा 1 पार्ट, 4 से डिवाइड कर दीजिए 56 को तो कितना आएगा 14, और इसका मतलब अगर यही, और ऐसा भी कर सकते हो 1 पार्ट निकाल दो उसमें से तो 14 निकल जाएगा 56 से, तो 42 बचेगा, कितना बचेगा 42, या 3 मल्टीप्लाइड बाई 14 कर लो 42, इस तरह से